रमज़ान में शैतान बंद होता है मगर शैतान चे ज़्यादा आज़ाद हो जाते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ ये बात, फिर दोहराता हूँ, जहन में उलझन रही मेरे ज़माने तक कि परवरदगार जब रमज़ान में शैतान बंद है तो फिर हम गुनाह क्यों कर रहे हैं, और इसे हल नहीं कर पाया था मैं चंद बरस पहले। इसीलिए कहा गया उतबुल इल्मा मिनल महदे इलल्लाह, पढ़ते रहो ढूंढते रहो। चंद बरस पहले उलमाए कुम के किसी दर्स से अखलाक के ऑडियो या वीडियो में मुझे जुमला सुनने को मिला कि जब उन आलिम से पूछा गया कि ये तो कैद हो गया है, अब हम क्यों गुनाहों की राह पे जाते हैं, रमज़ान में तो इबतें बंद होना चाहिए, रमज़ान में तो झूठ बंद होना चाहिए, शैतान तो कैद खाने में चला गया। उन्होंने फरमाया कि ये बताने के लिए कि शैतान से बड़ा ख़तरनाक दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स है, तुम खुद हो। जब शैतान कैद हो गया फिर भी गुनाहों में कोई कमी नहीं आने का मतलब यह है कि तुम्हारा नफ्स शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो मददगार का मोहताज नहीं है। तो हकीकत यह है कि हम लोग हमेशा दूसरों के हर मामले पर इल्ज़ाम लगा देते हैं और शैतान है, शैतान बहकाता है, इसलिए कितना क्या करता है बेचारा, वसवसे के अलावा कुछ नहीं करता है, करते तो हम ही हैं।